नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास स्ट्रेंजर कंपनी का SPB-4K एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। आप देख सकते हैं हमारे टेबल पर, जो कि अभी मैंने इसे खोला भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कस्टमर का कहना है कि इसमें जो है सो अभी हमारा इसका जो एम्पलीफायर है ये प्रोटेक्ट मोड में है, यानी कि स्पीकर प्रोटेक्ट लिख रही है। तो मैं यहाँ पर लाइन कनेक्शन करके आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और हम भी थोड़ा देख लेते हैं और इस एम्पलीफायर को बिल्कुल आप लोगों के सामने लाइव रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्ट, और यहाँ पे दोनों का आउटपुट लेवल भी आपने देखा। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्ट और चेक का इंडिकेटर यहाँ पर जल रही है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, और ध्यान देना है आपको कि दोस्तों स्पीकर प्रोटेक्ट का जो सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, आउटपुट लेवल आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी आउटपुट लेवल में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैनल ए का आउटपुट लेवल जो है वो ग्रीन के साथ में बंद हो जा रही थी, और यहाँ पे ये रेड तक जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अनुमान लगा लेना है कि हमारी जो चैनल बी है इसमें आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे ही हमने ऑन किया वैसे ही पीक लाइट के साथ हमारी आउटपुट लेवल पूरी रेड जल जा रही थी। तो इसी फॉल्ट को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। तो जो भी कुछ होगा आप लोगों के सामने हम रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक के साथ साथ, अगर आप चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहेगी। तो सबसे पहला कैमरे को हम एक जगह पे सेट करते हैं, और सेट करने के साथ में दोस्तों ये जो स्पीकर प्रोटेक्ट और जो चेक का सिस्टम है, आखिर हमारी कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है उसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, चलिए कैमरे को हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा मैंने सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद सभी स्क्रू आपको खोल लेना है। चलिए हम कैबिनेट इसका सब ढक्कन खोल लेते हैं, और खोलने के बाद फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी स्क्रू मैंने खोल लिया है, और दोस्तों वीडियो का थोड़ी सी लंबी है, आप लोगों को समय निकाल करके देखना है, क्योंकि इसमें हर प्रॉब्लम दोस्तों आपका एम्पलीफायर में जो होती है देखने में एक लगती है, लेकिन कि अगर आप रिपेयर करेंगे तो लगभग कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। हर बार आपको एक ही फॉल्ट नहीं नज़र आएगी, एक ही चीज़ ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आज यही चीज़ जानना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ख़राब होने पर हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें ठीक करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी न्यू एम्पलीफायर है ये, और लगता है ज़्यादा दिन ये चली भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको सबसे पहला ये हमें फाइंड कर लेना होगा कि हमारी कौन सी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो उससे पहले ये तो हमने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चैनल बी जो हमारा है ये हमारा प्रॉब्लम है, चैनल ये हमारा बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तो चैनल बी जो प्रॉब्लम होने का जो लक्षण था दोस्तों, आपको एम्पलीफायर में लाइन इन करने के साथ हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम था पीक लाइट का जल जाना था, दूसरी में उसकी जो आउटपुट लेवल है हमारी रेड तक पहुँच जा रही थी। तो इस चैनल बी को हम सबसे पहले यहाँ से इसका जो भी स्क्रू है उसे हम बाहर निकालेंगे, और आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है उसे फिर हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इसकी जो मॉड्यूल है उसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो मैं यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और निकालने के पहले थोड़ी सी हमें एक चीज़ इसमें देखना है कि हमें इसका जो पावर सेक्शन है ये दोस्तों, पावर सेक्शन में हमें हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो एम्पलीफायर में हम लाइन इन कर दिया हूँ अभी। ठीक है, और लाइन इन करने के बाद में अपने मल्टीमीटर को 200 डीसी की रेंज में सेट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, और अपने ब्लैक प्रो को एम्पलीफायर की बॉडी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा सिस्टम जो है दोस्तों, यहाँ पे लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज जो कि 3+ और 3- की होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब लिखा भी है, आप उसके अनुसार भी वोल्टेज टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। ये देखिए जहाँ पे हमें 80 वोल्टेज मिलनी चाहिए लगभग 1 वोल्ट के आसपास करीब आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारी वोल्टेज की समस्या है, सबसे पहला आपको यहीं से ट्रेस करना है, और दूसरी चैनल में अगर आप वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं लगभग 70 वोल्ट के करीब यहाँ पर सभी में वोल्टेज हमें दिखा रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम इस वाले चैनल में अगर हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज हमें कुछ भी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आने का जो मेन रीज़न है दोस्तों, सबसे पहले हमें पावर सप्लाई चेक करना होगा, आखिर वोल्टेज हमारी क्यों नहीं आ रही है। तो पावर सेक्शन में, पावर सेक्शन को भी खोलना होगा यहाँ से, ठीक है। इस पार्ट हमें कुछ नहीं करना है इधर। तो पावर ड्रॉप होने का दोस्तों दो रीज़न होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जो प्रीमियम बोर्ड का जो कनेक्टर है, सारा कनेक्टर मैं खोल लूँगा अभी। और इसे खोलने के बाद एक बार हम फिर से आपको पावर चेक करके हम दिखाएंगे हमारी पावर आ रही है या नहीं आ रही है। और एक चीज़ और हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे कि पावर नहीं आने का दोस्तों एक रीज़न और भी होता है, अगर आपका कोई मॉस्फेट या कोई भी ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो, है ना। और हमें लगता ये होगा कि पावर सप्लाई में जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं, ये हमारी कट गई है या ख़राब हो गई है, तो किसी किसी एम्पलीफायर में वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस सही होने के बाद भी पावर आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम सभी कनेक्टर में खोल लिया हूँ, और खोल लेने के बाद में अब एक बार हम फिर इसमें लाइन इन करेंगे। और लाइन इन करने के साथ दोस्तों आप पंखे में ध्यान दीजिएगा, एम्पलीफायर में, ठीक है। हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुकी है, और ऑन होने के साथ अभी भी हमारा एम्पलीफायर स्पीकर प्रोटेक्ट और इस बी चैनल का जो आउटपुट लेवल है ये हमें बता रही है। उसके बाद चेक लाइट भी जल रही है, ठीक है। ये हमें बिल्कुल कन्फर्म है कि हमारी बी चैनल प्रॉब्लम में है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके बाद में जो हमारी सप्लाई नहीं मिल रही थी, तो इस मॉड्यूल को भी हम बाहर निकालेंगे, और ये कनेक्टर भी हमें कुछ नहीं करना है, कनेक्टर भी हमें खोल के ही रखना है, और पावर सेक्शन को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो कटी है या फिर नहीं कटी है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा कि आपको कैसे कैसे चेक करना होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती है, बिल्कुल नए लोगों को सिखाने के मकसद से, जो कि यहाँ पर वीडियो लंबी हो ही जाएगी। तो यहाँ पर हमने पावर सेक्शन और मॉड्यूल का स्क्रू मैंने खोल लिया है, और खोल लेने के बाद आपको हम दिखाएंगे अभी पावर सेक्शन भी हम खोलेंगे। तो ड्राइवर बोर्ड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर दोस्तों केवल रिपेयर करना हो तो फिर इतना समय लगता नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर वीडियो बनाने की बात अगर आती है तो उसमें वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, क्योंकि होता ये है कि अगर सही तरीके से वीडियो ना बनाऊं और सही तरीके से अगर ना बताऊं तो कमेंट भी बहुत लोग मतलब गलत सोच लेते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है, जो रियल चीज़ है वही चीज़ हम बताएंगे भी, ऐसा नहीं कि मैं गलत बताऊंगा आपको। और इस तरीके से भी आप रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप नए मैकेनिक हैं या फिर नया काम करना चाहते हैं, या फिर डीजे भाई लोग अगर इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, तो आप हमारे इस वीडियो से मेरा जो बताने का जो तरीका है बिल्कुल आसान शब्दों में और आसान तरीके से मैं कोशिश करता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो तरीका मैं बताया हूँ ये मेरा तरीका कैसा है। अगर इससे भी अगर कोई बेहतर आइडिया अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग उसके ऊपर भी कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, और हम अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भाई लोग अगर इस वीडियो में, इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए होंगे, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हमें और भी आगे चल करके इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के बीच देता रहूँगा, ठीक। तो यहाँ से देख सकते हैं पावर सेक्शन मैंने यहाँ पर निकाल चुका हूँ, और निकालने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी सी कंजेस्टेड हो रही है दोस्तों यहाँ पर, जो कि सभी वायर का कनेक्टर लगा हुआ है, जिसके कारण आसानी से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कनेक्टर हमें खोलना भी होगा, तो पहले दिखाते हैं बिना कनेक्टर खोले हुए, और यहाँ से हम पावर सेक्शन को हम बाहर की ओर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से हम एक कनेक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो है सो सिलिकॉन वगैरह दिया रहता है, जिसके कारण कनेक्टर काफ़ी टाइट होती है, चिपकी हुई रहती है, तो हम यहाँ से कनेक्टर निकाल ही लेंगे। काफ़ी दिक्कत हो रही थी इस सेक्शन को बाहर निकालने में, तो हम यहाँ से कनेक्टर ही बाहर निकालेंगे। उसके बाद पावर सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, थोड़ी सी मेरे घर में कुछ काम चल रही है इसी सेटअप के ऊपर, जो कि हम वर्कशॉप एक दूसरी जगह पे बना रहे हैं, तो वहीं पे हम थोड़ी सी उलझे हुए हैं, जिसके कारण मैं वीडियो जल्दी बना नहीं पा रहा हूँ। तो अब कुछ ही काम बचा हुआ है, हालांकि मैं उसके बारे में ज़्यादा
कुछ नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं, हमें चेक कर लेना है कंटिन्यूटी मोड में। तो ये रेजिस्टेंस हमारा ठीक है, जिसमें बीप की साउंड आ रही है ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही, लगता है इसमें कुछ दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। हो सकता है किसी में ड्राई सोल्डरिंग का भी प्रॉब्लम होता है किसी किसी में, क्योंकि ये दोस्तों लोड रेजिस्टेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये भी ठीक है, और एक तरह से ये दोस्तों फ्यूज वाली रेजिस्टेंस से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का सभी रेजिस्टेंस ठीक, रेजिस्टेंस यहाँ पे ठीक है, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे ख़राब नहीं है। एक तरीके का ये जो है सो फ्यूज का काम करती है, ठीक है। पावर सेक्शन हमारा बिल्कुल ओके है, लेकिन हम यहाँ पर मॉड्यूल में जिस समय हम करंट चेक कर रहे थे, उस समय हमें कोई भी करंट नहीं मिल रही थी। तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं अभी, इसका जो कनेक्शन वायर है जहाँ पे हमारी सप्लाई गई है, तो उसे हम ओपन कर लिया हूँ मॉड्यूल से, ठीक है। और मॉड्यूल से ओपन करने के बाद मैं आपको भी दिखाऊंगा, कैमरे को भी हम सामने कर लेंगे अभी, जो कि अभी नज़र में आ नहीं रही है। तो यहाँ से सामने करने के बाद देखते हैं हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं। तो इसे हम 200 डीसी की रेंज में कर लिया हूँ, और यहाँ से डीसी की रेंज में करने के बाद ये देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पर करंट यहाँ पे नहीं मिल रही, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहीं पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, आखिर हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस जो है ये भी हमारा ओके है, और वायर भी हमारा ओके है, इसका जो सप्लाई वाली तार है ये भी हमारा ओके है, लेकिन हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप पावर सेक्शन में जहाँ पे जहाँ इसका जो फ्यूज रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, जो भी हमने कुछ देर पहले चेक किया हूँ, आप वहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं करंट, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने केवल दो ही तार ओपन किया हूँ, इसकी जो पीवीसी है इससे, ठीक है, जबकि यहाँ पे किस कोई भी तार में कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दिक्कत होती है, अब हमें करना क्या होगा, अब यहीं पे सब मिस कर जाएंगे और लगेगा कि हम क्या करें अब, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ओके है, हमारी सप्लाई भी बन रही है, हमारे ट्रांसफार्मर में करंट भी जा रही है, और जैसे ही हमने दूसरा मॉड्यूल में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें तो करंट जा रही थी, जो कि मैंने पहले आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो चलिए पीवीसी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, हीट सिंक से हम अलग करेंगे, और अब पावर सेक्शन को हम एक चीज़ आपको एक चीज़ और हम ट्रेस करने का तरीका बताएंगे। हो सकता है कि फ्यूज हमारा ओके हो, और अगर अंदर से हमारा अगर कोई प्रिंट अगर कट गया हो तो उसे भी हमको ट्रेस करके दिखा देंगे एक बार। चलिए हम इसे भी एक बार देख ही लेते हैं, उसके बाद आगे फिर हम बात करेंगे। और अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर आपका मॉड्यूल में कोई भी मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो रही है, या फिर कोई रेजिस्टेंस अगर जली हुई है, तो फिर यह समस्या बनती है, आपका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर जाएगी और आपको फिर वोल्टेज मिलेगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप जो 6 वायर हैं, यानी कि 3 प्लस की सप्लाई और 3 माइनस की सप्लाई, ये 6 तार को आपको ओपन कर देना होगा पीसीबी से, उसके बाद आप करंट चेक करेंगे तो फिर आपको करंट मिल जाएगी, ठीक है। जो कि दोस्तों इतनी बारीकी चीज़ें कोई जल्दी नहीं बताते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी जो पीसीबी है उल्टा साइड, आप इसकी ट्रैक को आप देख लीजिए, तो आपको कहीं से भी डैमेज वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगी, और ना ही कहीं पर ये जला हुआ नज़र आएगा, ठीक है। पीसीबी हमारा बिल्कुल ओके है, पावर सेक्शन भी हमारी ओके है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप, मैं फिर भी आपको कंफर्म करके दिखाऊंगा अभी, ये देखिए यहाँ पर, तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सभी चीज़ लिखा भी है, आप लिखे के अनुसार भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ से अगर ये सब ख़राब हो जाए तो आप इसके जगह पर आप शॉर्टिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ओके है, इधर हमें कुछ भी काम नहीं करनी है। तो अब हमें अब एक चीज़ करेंगे क्या कि पावर सेक्शन को जैसे था वैसे हम यहाँ से सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद मॉड्यूल हम खोलेंगे और मॉड्यूल में ही हमें चेक करना है, ठीक है। इस एम्पलीफायर को दोस्तों, अगर आप इसका जो फार्मूला है अगर आप समझ लेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसे रिपेयर करने में, काफ़ी आसान है रिपेयर करना, ठीक है। तो पावर सेक्शन को हम यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि फ्यूज रेजिस्टेंस ये जो आप देख रहे थे ये सब बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है
कि अगर आपका कोई भी ट्रांजिस्टर मॉस्फेट अगर ख़राब होगा तो ये ड्रॉप हो जाएगी। किसी किसी में हो जाती है, किसी में फ्यूज रेजिस्टेंस कट जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी में ऐसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो तार आप देख रहे थे ना, इसी को आपको ट्रेस करते हुए जाना है कि हमारी तार ये मॉड्यूल में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से जो हमारी आउटपुट आई है एसी सप्लाई, इसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ से इस ट्रांसफार्मर का, तो इसमें सभी करंट हमें दे रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो चलिए सबसे पहला जो मॉड्यूल का जो हीट सिंक है इसे हम खोल लेंगे। पावर सेक्शन को हमने छोड़ दिया है जैसे का तैसा, और पावर सेक्शन छोड़ने के बाद हीट सिंक का जो प्लेट है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद जो मतलब अधिकतर जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है अभी तक, इसका प्रीमियम बोर्ड और इसका मॉड्यूल में ही होता है दोस्तों। जहाँ पे हमें 1407 या फिर 150 एन का जो मॉस्फेट लगा होता है, अधिकतर यही सब प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे अगर हमारा जो वोल्टेज है, अगर ये हमारा वर्किंग अगर बढ़िया से अगर कर गया तो एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत फिर बाद में आएगी नहीं। लेकिन इसमें से एक समस्या और बनती है कि अगर आपका ड्राइव वोल्ट अगर आपका सही ना बने, कम या अधिक अगर बनता रहे, तो फिर दिक्कत आ सकती है इसमें से। ठीक है, चलिए हम फटाफट हीट सिंक अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद देखेंगे क्या दिक्कत है सब। तो यहाँ पे हम हीट सिंक का सभी स्क्रू हमने खोल लिया है, और खोलने के बाद पीसीबी को हम अलग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने अलग भी कर लिया है, और हीट सिंक से इसका जो हीट टेम्परेचर का जो सेंसर लगा होता है इसे भी हम खोल के अलग कर लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला फिजिकल डैमेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो दोस्तों यहाँ पे इंडक्टर कॉइल के पास जो हमारा स्पीकर जहाँ से हमारी आउटपुट हुई है उस जगह पर एक रेजिस्टेंस जला हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अब दोस्तों इतनी बुरी तरीके से इसका जो रेजिस्टेंस जला हुआ है, कुछ पता नहीं चल रही है यहाँ पर कि कितने ओम्स या फिर कितने किलो की लगी हुई है, तो हम यहाँ पर कैसे लगाएँगे कितने ओम्स का यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप यहाँ पे हाफ वाट में आप 68 ओम्स का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 47 ओम्स का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये इंडक्टर कॉइल के बगल में ये लगा हुआ है। और इसके साथ में दोस्तों एक जीनर भी लगा है जो कि जीनर को भी आपको चेक कर लेना है। तो फिलहाल हम रेजिस्टेंस यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे और इसके जगह पर हम 68 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो प्रीमियम बोर्ड हम हटा लेंगे, उसके बाद हमें काम करने में आसानी भी होगी। दोस्तों एक वीडियो हमने और बनाऊंगा इसके बारे में फुल डिटेल के साथ, अगर आपका कंपोनेंट अगर जल जाए इस मॉड्यूल के अंदर, अगर कोई भी कंपोनेंट जल जाए तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके देंगे ताकि काम करने में आसानी होगी। और हर एक रेजिस्टेंस के बारे में बता देंगे कि किस नंबर पर कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, आप डायरेक्ट दोस्तों अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस जला हुआ अगर एम्पलीफायर आता है तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर जा करके आप हमारे वीडियो को निकालेंगे, उस वीडियो को तो आप उसमें से सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप उस वैल्यू का लगा करके और अपने एम्पलीफायर को फिर से चालू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे अभी, और इसके साथ में इसके बगल में दोस्तों एक जीनर भी लगा है और एक रेजिस्टेंस और लगा है। तो रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ओके है एक, और एक जीनर जिसमें कि लग रहा है ख़राब जैसा, लेकिन उसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे। इतनी बुरी तरीके से जलने के बाद हो सकता है जीनर भी हमारा ख़राब हो, लेकिन रेजिस्टेंस तो हमें देखने को मिल रही है बिल्कुल जला हुआ, और जीनर देखने में ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे निकाल करके चेक कर लेंगे। तो जब भी कोई भी सामान आप चेंज करेंगे तो उसके अगल बगल भी आपको एक बार टेस्ट कर लेना है, नहीं तो फिर आप परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आगे। तो यहाँ से हम जीनर और रेजिस्टेंस दोनों निकाल लिया हूँ, और दोनों निकालने के बाद एक बार हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये जीनर हमारा बिल्कुल ठीक है, शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जीनर हम इसी को लगाएंगे फिर से, चलिए हम इसे फिर से इंस्टॉल कर देंगे जहाँ से हमने इसे खोला हुआ था, और एक 68 ओम्स का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप जला हुआ रेजिस्टेंस नापेंगे तो उसका वैल्यू जो है किसी किसी में घट जाती है, किसी में बढ़ जाती है, और कोई जो है सो ओपन भी हो जाती है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमारी ओपन नहीं हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये ओपन नहीं हुई है, इसका जो वैल्यू है बढ़ करके और किलो ओम्स में चली गई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। हालांकि आपको साफ साफ नज़र नहीं आता होगा डिस्प्ले में, लेकिन ये किलो में दिखा रही है यहाँ पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर ओम्स में लगी होती है 47 ओम्स, 68 ओम्स, लॉप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रेजिस्टेंस लगाने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर हम 1407 का जो मॉस्फेट है उसे हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये कॉमन है, कहीं ना कहीं तो ये शॉर्टिंग हो सकता है। उसके बाद ये दोनों डायोड हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1407, ये दोस्तों शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, आप बीप की साउंड सुन सकते हैं। उसके बाद में दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हो सकता है ये भी ख़राब हो या ना हो। तो ये मॉस्फेट हमारा बिल्कुल ठीक दिखा रही है, शॉर्टिंग तो नहीं है, शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पर। तो हम दो मॉस्फेट यहाँ पर खोल लेना है मुझे। ठीक है, ये दोनों मॉस्फेट हम खोलेंगे और देखते हैं एक बार फिर से, खोल के भी हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो दोस्तों जब भी आप पीसीबी चेक करेंगे तो शॉर्टिंग कहीं से भी नहीं आनी चाहिए, कोई भी मॉस्फेट में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, रीडिंग ही आनी चाहिए। अगर रीडिंग छोड़ करके अगर बीप की साउंड सुनाई दे रही है तो ये गलत है। और उसके बाद में यहाँ पे चार डायोड लगे हुए हैं जो कि 60-90 का है, तो आप इसे चारों डायोड को भी आप चेक कर लेना है। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो कि स्पीकर प्रोटेक्ट जो आपका एम्पलीफायर अगर दिखा रही है, तो ये स्पीकर प्रोटेक्ट होने का जो मेन रीज़न होता है ना, ये हमारा स्पीकर कनेक्शन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टिंग, मैं अभी आपको स्पीकर के बारे में बताएंगे अभी। और यहाँ पर मॉस्फेट हमारा बिल्कुल ये डेड फुल्ली शॉर्टिंग है, ये देखिए फुल्ली शॉर्टिंग दिखा रहा है। और बोल रहे थे स्पीकर प्रोटेक्ट के बारे में, तो स्पीकर प्रोटेक्ट दोस्तों यहाँ पर हमें आप स्पीकर की कनेक्शन जो हमारी आउटपुट दे रही है एम्पलीफायर, यहाँ से इस जगह से आप ट्रेस करते हुए चलेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं आपको शॉर्टिंग मिलेगी। और जब तक वो शॉर्टिंग आपको मिलेगी तभी आपको स्पीकर प्रोटेक्ट की समस्या दिखाई देगी। ठीक है, और ये एम्पलीफायर बताएगी। तो अभी हमें उधर नहीं जाना है, सबसे पहला हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस जगह पर दो मॉस्फेट हमने और निकाला हुआ है, जो कि दोस्तों मैं आपको दो फुली शॉर्ट दिखा रहा था अभी, और जो जिस तरफ के मतलब जिस तरफ का अभी शॉर्टिंग हमें नहीं बता रहा था, माने कि टोटल चार मॉस्फेट लगे होते हैं, दो NPN की तरफ और दो PNP की तरफ, यानी कि 2 5200 की तरफ और 2 1943 की तरफ। तो चारों को आपको मैं चेक करके कन्फर्म कर दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये शॉर्टिंग वाला है, एक हमने यहाँ पे साइड रख दिया। ठीक है, आप किनारे देख सकते हैं, और ये हमारा दूसरा शॉर्टिंग है, ये हमारा दूसरा शॉर्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसकी रीडिंग गलत आ रही है, ये भी शॉर्टिंग है, ये हमारा दो खराब है, और दो हमारे पास और है जो कि इसे भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रही है। ठीक है, ये हमारा ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है, और ये भी ठीक है, यानी कि दो मॉस्फेट हमारा बिल्कुल ठीक है और दो हमारा ख़राब है। आपको एक बार मैं कंफर्म कर ही दे रहा हूँ, ये देखिए रीडिंग कभी भी दोस्तों 400 से प्लस आनी चाहिए। ठीक है, और एक ही पिन में रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर हमें करेंगे क्या कि दोनों मॉस्फेट हमारा अच्छा है, इसे हम साइड कर देंगे। अब चाहे तो आप इसे ही दोबारा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम करेंगे क्या कि मैं आपको चार मॉस्फेट यहाँ पे चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ओरिजिनल 150N का लिया हुआ है, जो कि अभी हमने 1407 खोला हुआ है, लेकिन इसके जगह पर हम 150N का यूज़ करने वाले हैं, आप ये देख सकते हैं। तो चारों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे, है ना, उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि ये वीडियो जिस जिस भाई के पास जा रही है या रिपेयर काम करते हैं, तो बिल्कुल ये बखूबी आप इस काम को कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसे भी हम साइड कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा 68 ओम्स का रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं बिल्कुल बाहर से भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, देख सकते हैं। और
ये मॉस्फेट जो है सभी हम यहाँ पे रिफिल करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमारे वीडियो से अगर एक भी भाई अगर सीखते हैं और कोई कमेंट करके अगर बताते हैं कि आपकी वीडियो से मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो दोस्तों मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी मोटिवेट मिलती है, ठीक है, और वीडियो बनाने का और भी हौसला बढ़ती है कि चलिए हमारे तरफ से किसी को तो फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को हमने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि ज़्यादा समय हम आपका ना लें। जो जेन्युइन चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वही चीज़ दोस्तों मैं अपनी भाषा से, अपनी मतलब आसान भाषा से बताने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरत नहीं है बताना, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ है बेसिक, सबसे पहला दोस्तों आपको वही चीज़ जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मॉस्फेट हमने लगा लिया है और लगाने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा पिन होती है उसे कट कर देना है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं कि पहले पिन कट कर लेते हैं उसके बाद सोल्डरिंग करते हैं, तो इस तरीके से काम आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहला मॉस्फेट यहाँ लगाने के बाद और सोल्डरिंग करने के बाद ही अपने निपर की सहायता से या फिर कोई भी कटर हो उसकी मदद से आप काट सकते हैं एक्स्ट्रा पिन को। तो यहाँ से चारों मॉस्फेट लगने के बाद एक बार देखते हैं वोल्टेज हम। तो यहाँ पर पावर सप्लाई की वोल्टेज के साथ साथ आपको पीरियम बोर्ड का जो ड्राइव वोल्टेज है, बेस वोल्टेज, उसे भी हम चेक करेंगे हमारी कितनी बन रही है या सही है या ख़राब है, ठीक है। किसी किसी में दोस्तों मॉस्फेट ख़राब होने के साथ साथ इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। और किसी में एक ख़राब होती है, किसी में नहीं भी होती है, बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो देखने को मिलता है। और इसमें से जो स्पीकर का जो प्रोटेक्ट का जो सिस्टम है दोस्तों, आपको 41600 का जो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर टाइप में आपको देखने को मिलता होगा, आपको उसे भी चेंज कर देना है। हालांकि यहाँ पर हम इसे खोला हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार, अब हम सीधा सीधी बायसिंग वोल्टेज की तरफ ही जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं। तो 0.5 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है हमें, और एक दूसरे लेग पे अगर हम देखेंगे दूसरे चैनल पे, तो इधर भी हमें 0.5 वोल्ट आ रही है, जो कि दोस्तों बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ और है, आपको हम यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और बताएंगे इस वीडियो के बाद में, जो कि एम्पलीफायर हमारा अभी तो ये वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, और ये हमारा एक अलग से प्रीमियम बोर्ड है जो कि रिपेयर होने के लिए मैंने साइड में रखा हुआ है, कहीं और से इसे रिपेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम रिपेयर करेंगे, इस एम्पलीफायर को बनने के बाद आपको इस प्रीमियम बोर्ड को रिपेयर करके भी दिखाएंगे कैसे आपको रिपेयर करना है। और ख़ास करके प्रीमियम बोर्ड की रिपेयर थोड़ी सी मुश्किल होती है, सभी के पास दिक्कत होती है इसे समझने में। तो यहाँ से हम एम्पलीफायर को भी हम ऑन करेंगे और देखते हैं इसकी जो MP3 है चलती है या नहीं। सारा स्पीकर कनेक्शन वगैरह मैंने कर लिया है और हमारा आवाज़ भी इसमें क्लियर आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से जो मैंने काम किया हूँ, एक यहाँ पर हमने 68 ओम्स का रेजिस्टेंस में लगाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और दो मॉस्फेट लगाया हूँ जो कि 1407 के जगह पर 150N का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और इसके बाद आपको स्पीकर प्रोटेक्ट के बारे में मैं आपको बिल्कुल डायग्राम के सहित, मतलब डायग्राम के माध्यम से भी हम बताने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन जब भी आप एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे तो इस PCB को एक बार आप पेट्रोल से या फिर PCB क्लीनर से या कोई भी थिनर से आपको वॉश कर देना है, ठीक है। तब जा करके इसकी अगर अगल बगल कहीं से भी अगर कोई मॉइस्चर वगैरह कुछ लगता होगा, पेस्ट का जो मॉइस्चर होता है दोस्तों, ये आपस में फिर से एक शॉर्टिंग करने का समस्या बन जाती है, इसे आपको क्लीन कर देना होगा और उसके बाद फिर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एम्पलीफायर रिपेयर आप करने का जो तरीका था, मेरे पास जो तरीका था दोस्तों, मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया है, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें बहुत छोटी सी थी, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में और आप लोगों को बताने के चक्कर में काफ़ी लंबी मैंने वीडियो बना दी है। और इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे वीडियो के माध्यम से कितने लोगों को मदद मिल रही है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहेगी। चलिए इसे साफ करने के बाद एक बार हम फिर से हीट सिंक में टाइट करके इसको हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल हमारा एम्पलीफायर कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर हाफ वाट का मैंने रेजिस्टेंस डाला हुआ है। ठीक, और जस्ट इसके बगल में इसके इंडक्टर कॉइल के पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद ये जो देख रहे हैं स्पीकर प्रोटेक्ट का समस्या है कि यहाँ से भी बनती है दोस्तों। उसके बाद ये मॉस्फेट तो आपको ख़राब होना ही होना है, इधर से चार मॉस्फेट में से तो दो हमने यहाँ पे 1407 लगाया है। हालांकि पहले मैं 150 एन लगाया था लेकिन वो किसी कारण बस वो शॉर्ट हो गया था दोस्तों, और ये जो उसके शॉर्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस भी ख़राब हुआ था, जो रेजिस्टेंस मैंने 47 ओम्स का यहाँ पर डाला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये जीनर भी आपको चेक कर लेना है, अगर ये जीनर भी अगर ख़राब होगी तो दोस्तों प्रीमियम बोर्ड का जो बाइसिंग वोल्टेज है वो घट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा छोटी सी जानकारी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।